डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीएस इंग्लिश एजुकेशन। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स का मीन्स होता है समान ध्वनि वाले शब्द। तो ऐसे वर्ड होते हैं ये, जिनकी साउंड तो सिमिलर होती है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है। तो चलिए हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा होमोफोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड होता है ऑल्टर, ऑल्टर ALTER, और इसी के समान एक दूसरा वर्ड होता है ALTER। ये दोनों वर्ड की साउंड तो समान है लेकिन इनकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। पहले वाले में AR आ रहा है और सेकंड जो वर्ड है उसमें ER आ रहा है। और जो पहला वर्ड है उसका अर्थ होता है बेदी। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद सेक्रीफाइज हिज लाइफ एट द ऑल्टर ऑफ मदरलैंड। चंद्रशेखर आज़ाद ने सेक्रीफाइज बलिदान कर दिया हिज लाइफ, अपना जीवन, एट द ऑल्टर ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि की वेदी पर। सेकेंड वर्ड ऑल्टर है, इसका मीन्स होता है बदलना। इसको हम वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे? यू शुड ऑल्टर योर वे ऑफ टॉकिंग। तुम्हें अपने बोलने का तरीका बदल देना चाहिए। साउंड में लगभग समान है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। पहले की स्पेलिंग क्या है? ELIGIBLE। और सेकेंड की स्पेलिंग क्या है? ILLEGIBLE। तो स्पेलिंग अलग अलग हो गई, इनका मीनिंग भी अलग अलग है। फर्स्ट क्या है? एलिजिबल, इसका मीन्स होता है चुना जाने योग्य। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, तुम इस पोस्ट के लिए उपयुक्त हो। सेकेंड हमारी क्या थी? एलिजिबल, इसका मीन्स क्या होता है? अपठनीय। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? हर राइटिंग इज एलिजिबल, उसका राइटिंग अपठनीय है, पढ़ने योग्य नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कैरियर और करियर। तो पहला वर्ड जिसकी स्पेलिंग क्या है? CARRIER। इस करियर, इस कैरियर मीन्स क्या होता है? माल ढोने वाला। और सेकेंड होता है करियर, CARER। इसका मतलब क्या होता है? जीवन व्रत या पेशा। तो इनकी क्या है? साउंड इनकी भी समान है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हैं। पहला जो कैरियर है उसका तो आप सभी जानते ही हो, उसका मीन्स क्या होता है? माल ढोने वाला। सबके साइकिल्स में पीछे कैरियर होता है और सब इससे माल ढोते हैं। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? वी यूज ए कैरियर इन आवर वाइकल्स टू कैरी आवर लगेज। हम साइकिल में क्या करते हैं? कैरियर का यूज करते हैं टू कैरी आवर लगेज, अपने सामान को ले जाने के लिए। सेकेंड वर्ड करियर है, इसका मतलब क्या है? पैसा या जीवन व्रत। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? वी शुड स्टडी डीपली फॉर ए गुड कैरियर। तो हमें गहन अध्ययन करना चाहिए एक गुड करियर के लिए, एक अच्छे कैरियर के लिए। देखते हैं जेलस और जेलस। ये वर्ड साउंड समान है इनकी लेकिन स्पेलिंग देखो इनकी, JELOUS फर्स्ट वर्ड की स्पेलिंग है और सेकेंड की क्या है? ZELOUS। तो ये दोनों वर्ड है, इसमें फर्स्ट वर्ड का मीनिंग भी अलग है। फर्स्ट वर्ड की मीनिंग क्या? ईर्ष्यालु। इसको हम कैसे यूज करेंगे? ही जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वह मेरी उन्नति से ईर्ष्या करता है। और सेकेंड वर्ड कैसे यूज करेंगे हम? इसका मीन्स भी होता है जेलस का, उत्साही। और इसको यूज कैसे करेंगे? द जेलस वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम। जो उत्साही वर्कर्स हैं उन्होंने अपना काम शीघ्र ही समाप्त कर लिया। नो टाइम मतलब शीघ्र ही, क्विकली, और फिनिश मीन्स समाप्त की। देखते हैं फीट और फीट। इनकी भी साउंड समान है लेकिन फर्स्ट जो वर्ड है फीट उसको सब जानते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? एकाओ हैज फोर फीट। और सेकेंड वर्ड है एफीएटी फीट, इसका मीन्स क्या होता है? बहादुरी या चतुराई का कार्य। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? पीपल वंडर एट द फीट्स ऑफ द जगलर्स, लोग आश्चर्यचकित रहे। किस पर आश्चर्यचकित रहे? फीट्स ऑफ द जगलर्स, जादूगर की बहादुरी पूर्वक कार्य पर। जो जादूगर ने बहादुरी पूर्वक कार्य किया था उस पर लोग आश्चर्यचकित रह गए। नेक्स्ट देखते हैं लूज और लूज। तो पहला वर्ड जो लूज है उसका मीन्स क्या होता है? खोना। और उसकी स्पेलिंग क्या? LOSE। और सेकेंड वर्ड जो लूज है उसका मीन्स क्या है? ढीला। और इसकी स्पेलिंग क्या? LOOSE। इनकी भी साउंड समान है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो पहले वर्ड को हम कैसे यूज करेंगे? वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें ये अवसर नहीं खोना चाहिए। सेकेंड वर्ड को कैसे यूज करेंगे? इन समर वी शुड वियर लूज क्लॉथ्स, गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? लूज क्लॉथ्स, ढीले कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लेसन और लेसन। इनकी भी साउंड समान है लेकिन स्पेलिंग देखो इनकी, LESSON है उसमें
और सेकेंड में क्या है LESSEN। पहले का मीनिंग क्या है, पार्ट, वो सब जानते हैं। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव लर्न्ड माई लेसन, मैं अपना पार्ट याद कर चुका हूँ। और सेकेंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, यू शुड लेसन योर एक्सपेंसेस, तुम्हें अपने खर्चे कम कर देने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन और ह्यूमन, इनकी भी साउंड समान है, लेकिन फर्स्ट वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है एच यू, उसकी स्पेलिंग क्या है HUMAN, और इसका मीन्स क्या होता है मानव, इसको तो सब जानते हैं। लेकिन सेकेंड है ह्यूमन, HUMAN, इसमें बस ई बढ़ गया है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो अलग हो गया है, इसका मीनिंग हो गया दयालु। तो पहले को हम कैसे यूज करेंगे, वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमें सभी मनुष्यों के प्रति दयालु होना चाहिए। और सेकेंड जो वर्ड है ह्यूमन, तो उसको कैसे यूज करेंगे, ही इज ह्यूमन टुवर्ड्स हिज सर्वेंट, वह अपने नौकरों के प्रति कैसा है दयालु। देखते हैं कॉर्प्स और कॉर्प्स, ये दोनों वर्ड इनकी साउंड तो समान है, लेकिन इनकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। पहला वर्ड क्या है CORPS, कॉर्प्स, इसको हम कोर बोलते हैं, इसकी मीन्स क्या होता है सेना की टुकड़ी। और सेकेंड वर्ड है CORPSE, इसको कॉर्प्स बोलते हैं, इसका मतलब मीन्स क्या होता है मानव सब। तो पहले वर्ड को कैसे यूज करेंगे, ही हैज ज्वाइन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो उसने नेशनल कैडेट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। और सेकेंड वर्ड क्या है, सेकेंड वर्ड है कॉर्प्स, इसको हम कैसे यूज करेंगे, द कॉर्प्स वाज बर्न्ड, शब को जला दिया गया। देखते हैं गोल, GOAL, गोल, और जो सेकेंड वर्ड है GAOL, गोल, तो पहले वर्ड का मीन्स क्या होता है लक्ष्य, और सेकेंड वर्ड का मीन्स क्या होता है जेल, ये इनका भी साउंड समान है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। पहले को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आवर गोल, आइए हम कठिन परिश्रम करते हैं टू रीच आवर गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और सेकेंड वर्ड जो गोल है उसका मीन्स होता है जेल, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, द थीफ वाज सेंट टू गोल, चोर के लिए गोल जेल में भेज दिया गया।